तो बच्चों अभी हमने कॉन्टीन्यूटी चैप्टर को डिस्कस किया, उसके ऊपर दो क्वेश्चन देखे हैं। क्वेश्चन और हैं, काफ़ी अच्छे हैं, जिसमें इस क्वेश्चन नंबर टू जो है वो मेरा सेकंड टाइप क्वेश्चन है, जिसमें मैं कह रहा था कि दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक तो प्रूफ करने को होता है और एक होता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सम अननोन लाइक के ए पी टी, ठीक है ना, व्हेन द फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं। ज़्यादातर आप लोगों को मॉडल्स वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, तो हम क्वेश्चन एक मॉडल्स वाला भी बताते हैं कि मॉडल्स वाले क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी होता है, ठीक है। हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर क्वेश्चन काफ़ी अच्छे अच्छे बनते हैं, सिर्फ कॉन्टीन्यूटी चैप्टर में ही नहीं, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे हम लोग, डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे मॉडल्स के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो अभी फिलहाल मॉडल्स को क्लियर करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन को देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर वन में लिखा है डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ द ऑफ मॉड एक्स माइनस वन प्लस मॉड एक्स माइनस टू। यहाँ पे हमें क्वांटिटी को डिस्कस करना है, मतलब बताना है कि ये फंक्शन हमारा कॉन्टीन्यूस होगा किस पॉइंट पे, एक्स बराबर वन पे और एक्स बराबर टू पे। चलो वो तो बात की बात है कि x बराबर वन और टू पे हम चेक करेंगे कॉन्टीन्यूस। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे मॉडलेस फंक्शन में ये मॉड है, ये हमारा पॉजिटिव बन के कब बाहर आएगा और नेगेटिव बन के कब बाहर आएगा, तो इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं x माइनस वन, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मॉड x माइनस वन इज इक्वल टू x माइनस वन, यानी कि मॉड के अंदर लिखा x माइनस वन बाहर पॉजिटिव बन के तब बाहर आएगा जब x माइनस वन मॉड के अंदर की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वन हो, सही। जब x की वैल्यू वन से बड़ी होगी, वन या वन से बड़ी होगी, तो ये बाहर पॉजिटिव बन के आएगा, लेकिन मॉड के अंदर लिखा है x माइनस वन, अंदर लिखा है x माइनस वन लेस देन जीरो हो, यानी x की वैल्यू लेस देन वन हो, यानी x की वैल्यू पे आपको ध्यान देना है। अच्छा, इसके लिए आप लोग ने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि मॉड x ये दो तरीके से बाहर आता था, एक प्लस एक्स और एक माइनस एक्स। प्लस एक्स तब आता था जब मॉड के अंदर लिखा ये x, अगर यहाँ पे सिर्फ x है तो x लिखेंगे हम लोग इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, राइट। और अगर यहाँ पे हमारा x है, और ये तब आता था जब x की वैल्यू लेस देन जीरो होती थी, ठीक है ना, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगी तो ये प्लस बन के बाहर आएगा, और अगर लेस देन जीरो होगी तो माइनस बन के आएगा। अगर मॉड के अंदर x लिखा है, अगर मॉड के अंदर जैसे x माइनस वन लिखा है, तो पूरा x माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो यहाँ पे हमें दो बातें समझ में आएंगी, x की वैल्यू अगर 1 या 1 से बड़ी होगी तो ये बाहर पॉजिटिव वैल्यू को लाएगा, अगर लेस देन 1 होगा तो नेगेटिव लाएगा। चलो इसी तरह से हम दूसरे को देखते हैं, मॉड x माइनस टू, ये बाहर पॉजिटिव बन के तब आएगा जब अंदर लिखा मॉड x माइनस टू इसकी वैल्यू क्या होगा इक्वल टू टू, ठीक है। उसी तरह से मॉड के अंदर लिखा x माइनस टू बाहर नेगेटिव बन के आएगा जब x माइनस टू की वैल्यू लेस देन जीरो, यानी x की वैल्यू क्या हो लेस देन टू। समझ में आया? तो यहाँ पे हमें कुछ वैल्यूज मिल रही हैं, जो कि पहली वैल्यू है कि ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड लेस देन वन के ये पॉइंट मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपना एक फंक्शन को बनाएंगे, जैसे यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू को हम लोग फिर से डिफाइन करें, क्योंकि पीछे हम देख रहे थे कि x इज नॉट पे चेंज हो रही थी। इसी तरह से मॉडल्स के क्वेश्चन में भी हमारी फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट पे चेंज हो रही होगी, तो वो पॉइंट को सबसे पहले निकालना है। तो यहाँ वो पॉइंट कौन कौन है, एक तो वन है ग्रेटर देन इक्वल टू, एक लेस देन वन, एक ग्रेटर वन है और एक टू है। तो यानी कि वन से लेस पे एक बार फंक्शन चेंज हो रहा है, राइट, ग्रेटर पे फंक्शन चेंज हो रहा है सकते हैं, ठीक है ना, और फिर टू से बड़े पे एक फंक्शन चेंज हो रहा है, टू से ज़्यादा पे फंक्शन चेंज हो रहा है, ये लिखा है हमारा, फंक्शन चेंज हो रहा है ना, क्योंकि मॉड एक्स माइनस टू क्या बन के आ रहा है पॉजिटिव, लेस देन टू पे नेगेटिव। तो लेस देन टू और ग्रेटर देन वन पे एक आप क्या ले सकते हो, एक रियल नंबर लाइन को डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ एक्स इज लेस देन वन, ठीक है, एक तो ये हो गया लेस देन वन इन्फिनिटी तक माइनस का, इफ एक्स की वैल्यू हमारी वन से टू, यहाँ देखा है ना, यहाँ देखो लेस देन सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू वन यानी वन से बड़ी और लेस देन टू, ये पूरा एक ही एक रियल नंबर लाइन फॉर्म हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बिटवीन वाला केस लगाएंगे, कि ये बिटवीन का होता है साइन वन से टू। अब यहाँ पे इक्वल किसको लगाएंगे, वन को टू को, तो यहाँ पे तुम देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, ग्रेटर देन इक्वल टू वन यानी वन से बड़ा, ग्रेटर देन और इक्वल टू वन है, तो यहाँ पे वन के साथ इक्वल आएगा क्योंकि वन के साथ इक्वल है ना, और टू से कम यानी टू के अंदर, तो टू पे इक्वल नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है, राइट।
और यहाँ पे वन से लेस, तो वन से लेस मतलब इक्वल टू वन यहाँ पे नहीं है। और तीसरा केस हमारे पास क्या बनेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, क्योंकि यहाँ पे देखो ना ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, टू से ज़्यादा, टू लिख दो, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो एक्स लेस, यहाँ दोनों तरफ साइन लगा दिया, यहाँ पे टू लिख दिया, यहाँ पे इन्फिनिटी लिख दिया और यहाँ इक्वल लगा दिया क्योंकि टू को लेना है, ठीक है ना, टू से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इसी तरह से इसको भी लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो x, वन से इन्फिनिटी ना, तो यहाँ पे आप लोग ने माइनस इन्फिनिटी जा रहा था, छोटी वैल्यू इधर होती है हमेशा और बड़ी वैल्यू इधर होती है, ठीक है ना, साइन लगा दिया। इन्फिनिटी कभी भी हमारा क्लोज ब्रैकेट पे नहीं रहता, इसलिए इक्वल का साइन इन्फिनिटी में कभी नहीं आएगा। ये इक्वल लगाना है कि नहीं, तो यहाँ पे नहीं है तो नहीं लगाएंगे, और लगाए मतलब चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, राइट। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मेट आ गए। अब यहाँ पे हमें आना है फंक्शन को लेके, क्योंकि एफ एक्स की बात करी ना, एफ एक्स तो हमारा बेटा देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये पूरा हमारा एफ एक्स है कि नहीं, राइट। ये टुकड़ों में तो हमने उसको डिफाइन कर लिया था कि ये टुकड़ा पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, ये वाला पोर्शन कब पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कब होगा, लेकिन यहाँ पे जब हम एफ एक्स की बात करेंगे तो पूरे फंक्शन की बात करेंगे। पूरे फंक्शन के लिए यहाँ पे वैल्यू देखेंगे, एक्स इज लेस देन वन, ठीक है। अब एक्स इज लेस देन वन पे बात करते हैं, तो बताओ एक्स इज लेस देन वन यानी वन से छोटे पे ये वाला फंक्शन मॉड का पॉजिटिव वन के बाहर निकलेगा कि नेगेटिव, क्योंकि हमें मॉड हटाना है। तो हमने यहाँ देखा एक्स इज लेस देन वन पे ये वाला फंक्शन नेगेटिव बन के निकल रहा था ना माइनस, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इस वाले की जगह क्या लगाएंगे, माइनस एक्स माइनस वन, ठीक है, ये प्लस साइन लगा लिया हमने। मॉड एक्स माइनस टू बाहर निकलेगा पॉजिटिव की नेगेटिव, तो एक्स की वैल्यू क्या लिया है, एक्स लेस देन वन ना, एक्स लेस देन वन, तो एक्स लेस देन वन पे यहाँ पे हम बात करते हैं एक्स की वैल्यू टू या टू से ज़्यादा पे पॉजिटिव आएगा, टू से छोटे पे ये नेगेटिव आएगा, तो ये भी नेगेटिव ही बन के निकलेगा ना, तो यह माइनस का एक्स माइनस टू, ठीक है। एक बड़ा सा ब्रैकेट ले लो, ठीक है, ताकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बाद में, चल गया। फिर यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू देखना है, एक्स की वैल्यू वन से टू के बीच में, जिसमें वन लेंगे टू नहीं लेंगे, वन से टू मतलब वन से बड़ा टू से छोटा, वन से बड़ा टू से छोटा, यह मॉड की करते हैं, यह वाला जो मॉडलेस फंक्शन है, अगर आप डायरेक्ट करते हो प्लस माइनस माइनस आपको दिमाग में बेसिक तरीका बता रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप कह सकते हो, बहुत बेसिक स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही लिखना नहीं चाहिए हम लोग को, लेकिन बिल्कुल हम लोग मॉडलेस को अच्छे से समझने के लिए हम स्टेप ये भी लिखे दे रहे हैं, जैसे कि नीड नहीं है इस स्टेप की, लेकिन लिखे दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये वाला जो ये प्लस साइन है, ठीक है, आप लोग अगर डायरेक्ट जल्दी जल्दी समझ सकते हो तो प्लस माइनस करके माइनस ही लिख देना है, यहाँ पर उन्हें प्लस साइन लगा दिया। तो अब बात है ये मॉड का एक्स माइनस टू जो हमारे पास लिखा हुआ है, ये बाहर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू देखेंगे ना, ये है ना हमारे पास पूरा एक ग्रुप बना हुआ, तो एक्स की वैल्यू टू से कम, क्योंकि एक्स की वैल्यू वन से ज़्यादा और टू से कम है, तो टू से कम, तो ये मॉड एक्स माइनस टू जो है हमारा, ये पॉजिटिव बन के तब आएगा जब एक्स की वैल्यू टू या टू से ज़्यादा होगी, टू से कम होगी तो नेगेटिव बन के आएगा, तो ये भी कैसे आएगा बाहर, नेगेटिव, तो माइनस एक्स माइनस टू, राइट। अब आते हैं लास्ट वाले हमारे पुरुष, ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, एक्स की वैल्यू टू या टू से बड़ा, तो यहाँ पे हम बात करें मॉड एक्स माइनस वन की, तो एक्स की वैल्यू वन या वन से बड़े का पॉजिटिव आएगा, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू तो टू या टू से बड़ी, तो वन से जाहिर सी बात बड़ी होगी, तो ये तो पॉजिटिव बन के आएगा एक्स माइनस वन, सही है, और ये प्लस साइन लगा दिए हमने फिर से वैसे ही, ठीक है। टू या टू से बड़े पे ये वाला जो मॉड है पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, तो यहाँ पे हमने देखा था टू या टू से बड़े पे ये पॉजिटिव बाहर आ रहा था, तो ये भी पॉजिटिव आएगा एक्स माइनस टू, राइट। अब इसको थोड़ा सा इवैल्यूएट कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा सिस्टम यहाँ पे आप लोग देख लिया है, यहाँ पे माइनस एंटर करेगा तो ये माइनस का एक्स माइनस का वन हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया माइनस का एक्स और प्लस का टू हो जाएगा, राइट। तो अगर हम इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू कुछ आएगी माइनस का टू एक्स प्लस की थ्री, राइट। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम लोग देखें एक्स माइनस वन प्लस माइनस माइनस हो के माइनस एंटर करेगा तो माइनस का एक्स और प्लस का टू आ जाएगा, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस वर्क करके बनाया जाएगा। उसी तरह से अगर हम इसमें प्लस प्लस थ्री हो जाएगा टू एक्स और ये माइनस माइनस थ्री, यानी कि ये हो जाएगा टू एक्स माइनस थ्री, ठीक है ना। और फंक्शन जो हमारे पास एक्स की वैल्यू डिफाइन थी कि एक्स की वैल्यू लेस देन वन, तो ये लेना है फंक्शन एक्स की वैल्यू वन से टू के बीच में ये वाला लेना है और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू टू पे ये वाली लेना, सही।
अब हमारे पास तीन फंक्शन डिफाइन हो गए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में था कि हमारा ये फंक्शन एफ एक्स जो है मॉडुलस लगा हुआ है, तो कभी भी मॉडुलस के क्वेश्चन आए बेटा तो आप लोग को सबसे पहले यही अप्रोच करनी है कि किस किस वैल्यू पे वो पॉजिटिव और नेगेटिव बन के बाहर निकलेगा, और जिस जिस वैल्यू पे पॉजिटिव नेगेटिव आएगा उसका एक पूरा फॉर्मेट आप कलेक्ट कर लोगे। यानी कि कोई ग्रुप अगर मिल गया जैसे 1 से बड़ा 2 से छोटा, तो ये पूरा आपको वो मिल गया ना, एक ग्रुप टाइप का मिल गया, मतलब एक पूरी एक बाउंडेड रीजन मिल गया, एक बाउंड रीजन मिल गया आपको, ठीक है ना। 1 से लेस में कोई बाउंड रीजन आपको मिल नहीं रहा है, 1 से ग्रेटर 2 से लेस में बाउंड रीजन मिल गया तो उसकी एक यूनिट बन गई। 2 से ग्रेटर का पोर्शन जो था उसमें कोई बाउंड रीजन नहीं था, उसको बनाने के बाद आप पूरे फंक्शन की वैल्यू उसके वैल्यूज़ पे जो आपने यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू रखी उसके आधार पे आप लोग उसको पॉजिटिव या नेगेटिव जैसे आएगा वो निकाल के उससे अपने फंक्शन बना लेंगे। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, तो क्वेश्चन में कहा गया था कि x बराबर 1 और x बराबर 2 पे इसकी क्वांटिटी को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम लोग एट x बराबर 1 पे इसकी क्वांटिटी को डिस्कस करेंगे, सेम एज प्रीवियस जैसे अभी हमने पीछे किया था। क्वांटिटी को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट LHN एट x बराबर 1, है ना। तो कैसे निकाल देते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 है तो 1 माइनस एफ एक्स, राइट। फिर क्या हो जाएगा, लिमिट मैंने बताया था h टेंस टू 0 से रिप्लेस कर देते थे, राइट। और यहाँ पे क्या हो जाता था, 1 माइनस h, याद है, 1 यहाँ पे होता था तो यहाँ a होता था, तो a माइनस h यहाँ डालते थे ना, यहाँ 1 है तो 1 माइनस h। अब 1 माइनस का मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा यहाँ पे कौन है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तो 1 या 1 से बड़ा और 2 से छोटा है, ये 2 या 2 से बड़ा है, ये 1 से छोटा ना, तो ये फंक्शन लेंगे। तो जब यहाँ x होगा तो यहाँ x लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे x की जगह क्या लिखा है, 1 माइनस h, तो यहाँ x की जगह ये वाले फंक्शन में x की जगह 1 माइनस h पुट कर देंगे। लिमिट एच टेंस टू 0 पूरा फंक्शन लेंगे माइनस 2 ब्रैकेट 1 माइनस h प्लस 3, राइट। तो इसको थोड़ा सा इवेलुएट करते हैं हम लोग, एच टेंस टू 0 माइनस 2 वन जेड 2 माइनस माइनस प्लस 2 एच प्लस 3, राइट। लिमिट एच टेंस टू 0 ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 2 एच और प्लस का 1, राइट। डायरेक्ट सब्सटिट्यूशन करते हैं, हमारी इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आनी चाहिए, पुट करा तो 1 आंसर आ गया, क्योंकि कांस्टेंट हमारा बच रहा, कांस्टेंट में लिमिट लगती नहीं। अब हम क्या निकालेंगे, आर एच एल निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट एट एक्स बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग के पास फॉर्मूला था लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, फिर लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, फिर लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस का मतलब 1 से बड़ा, 1 से बड़ा मतलब ये वाला है ना क्वेश्चन, तो 1 से बड़े पे वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्ट 1 आ जाएगी, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो हम लोग यहाँ पे x की जगह वैल्यू ही नहीं पुट करेंगे, तो कांस्टेंट 1 लेंगे और 1 पे लिमिट लगती नहीं, तो ओवरऑल ये क्या लिख देंगे हम लोग इसको, 1, राइट। तो LHL और RHL, LHL और RHL हमारा बराबर आ गया। अब हम क्या चेक करेंगे, हमने बताया था कॉन्टीन्यूस चेक करने के लिए LHL RHL बराबर होने के साथ साथ f ऑफ a भी बराबर होना चाहिए, तो हम f ऑफ a को निकालते हैं। अगर हम यहाँ पे f ऑफ a की बात करें तो a का मतलब हम किस पॉइंट पे हम लोग कॉन्टीन्यूटी को चेक कर रहे हैं, 1 पे ना, तो a का मतलब 1 होगा कि नहीं होगा, 1, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1, राइट, इक्वल टू 1, यानी ये वाला है ना, यहाँ ही तो इक्वल 1 लगा है, तो इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या है, 1, तो ये भी 1 आ गया। तो ये हम लोग क्या लिखेंगे, एल एच एन एट एक्स बराबर 1 बराबर है आर एच एन एट एक्स बराबर 1 बराबर है एफ ऑफ 1 पे, तो यहाँ लिखेंगे हेंस एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस एट एक्स बराबर 1, हो गया। तो यानी डिस्कस करना था हमें x बराबर 1 पे और x बराबर 2 पे क्वांटिटी, तो हमने x बराबर 1 पे इसको क्वांटिटी चेक कर लिया। अब हम लोग सिमिलरली x बराबर 2 पे भी इसकी क्वांटिटी चेक कर लेंगे, तो मैं ये आपको करने के लिए दे रहा हूँ, x बराबर 2 पे क्वांटिटी आप चेक करके मुझको बताइए कि वो 2 पे कॉन्टीन्यूस है कि नहीं, ठीक है। वैसे 2 पे भी ये कॉन्टीन्यूस ही होगा। अब हम इसका सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, जैसा कि सेकेंड क्वेश्चन में हमने देखा कि सेकेंड वाले क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, राइट। जैसे मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पे किसी अननोन की अगर वैल्यू फाइंड कराएगा तो आपको वो कॉन्टीन्यूस या डिसकॉन्टीन्यूस बता देगा कि वो फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, और इफ़ करके क्वेश्चन जो होता है उसमें मतलब वो गिवन स्टेटमेंट होता है हमारा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ द फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड बाय दिस, राइट, इस कॉन्टीन्यूस एट एक्स बराबर 2, यानी 2 पे ये कॉन्टीन्यूस है तो बताओ ए की वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू
हमारे पास फंक्शन एफ एक्स क्या गिवेन है, टू एक्स माइनस वन ए और एक्स प्लस वन, राइट, लेस देन टू इक्वल टू टू, यानी एक्स वैल्यू लेस देन टू पे ये लेना है, एक्स इक्वल टू टू पे ये लेना है, और एक्स इज़ ग्रेटर देन टू पे हमें ये लेना है। ये कॉन्टीन्यूस है ना, इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स बराबर टू, ये कॉन्टीन्यूस है टू पे। तो जब ये कॉन्टीन्यूस है तो इसका मतलब ये वाली अप्रोच हमारी ले के चलना है, ना कि हमें प्रूव करना है। इज इक्वल टू ये आर एच एल एट एक्स बराबर टू और एफ ऑफ टू, क्योंकि टू पे है ना ये, तो एफ ऑफ टू, ये तीनों आपस में बराबर हैं, आपको प्रूव नहीं करना है, बिकॉज यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि इट इज़ कॉन्टीन्यूस। तो सबसे पहले हम लोग एल एच एल फॉर्मूला लगाते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू टू माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू टू प्लस एफ एक्स और एफ ऑफ टू, राइट। तो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू टू माइनस एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो और यहाँ पे एफ ऑफ टू माइनस एच आएगा इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, यहाँ आ जाएगा एफ ऑफ टू प्लस एच, है ना, और एफ ऑफ टू इक्वल टू टू है ना, एफ ऑफ टू मतलब टू पे, तो टू पे क्या लेना है ए, यहाँ ए लिख दो। एफ ऑफ टू माइनस एच का मतलब क्या था, टू माइनस है, टू माइनस मतलब लेस देन टू, लेस देन टू का मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो लेस देन टू गिवन है, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में इट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो था, इट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो मतलब वो लेस देन और ग्रेटर देन दोनों होता था, लेकिन यहाँ पे हमें लेस देन टू के ऊपर एक फंक्शन डिफाइन है टू एक्स माइनस वन, तो हम लोग ये वाला फंक्शन लेंगे, यहाँ एक्स एस लें यहाँ एक्स लेंगे, यहाँ पे एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स की जगह टू माइनस एच है, तो यहाँ पे हम लोग टू एक्स की जगह टू माइनस एच माइनस वन और लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, टू प्लस एच है, टू प्लस या ज़ीरो, ये कौन सा आर एच एल है, आर एच एल मतलब टू प्लस, टू प्लस मतलब टू, टू से ज़्यादा, टू से ज़्यादा का मतलब ये वाला फंक्शन है ना, टू से लेस मतलब ये वाला फंक्शन, यहाँ से यहाँ से पकड़ा करो, लिमिट एक्स टेंस टू टू माइनस लिखा मतलब टू से कम, टू प्लस लिखा मतलब टू से ज़्यादा, तो यहाँ पे हम लोग इससे नहीं देखेंगे ज़ीरो ज़ीरो, ये तो फॉर्म है, ठीक है ना, इससे देखेंगे टू प्लस मतलब ग्रेटर देन टू, ये वाला फंक्शन लेंगे। तो यहाँ जब एक्स है तो यहाँ एक्स है, यहाँ पे टू प्लस एच है एफ के साथ, तो यहाँ पे एक्स लीजिए टू प्लस एच पुट कर देंगे, टू प्लस एच प्लस वन इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो फोर माइनस टू एच माइनस वन इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, ठीक है ना, ये हो जाएगा एच प्लस थ्री इज इक्वल टू ए, इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो आएगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, ये हो जाएगा माइनस का टू एच प्लस थ्री इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एच प्लस थ्री इक्वल टू ए। इन दोनों में अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो थ्री इक्वल टू ए आता है, तीनों ही बराबर आ रहे हैं, किसी भी ए की वैल्यू को थ्री के बराबर कर दो, समझ में आया। तो यहाँ से हम लोग को समझ में आया कि अननोन की वैल्यू निकालना होगा तो हम किस तरह से निकालेंगे, और अगर हमारे पास प्रूफ करना होगा तो हम किस तरह से करेंगे। पूरे आर डी शर्मा एन सी आर टी, आपको सबसे पहले एन सी आर टी अगर आपके पास है नहीं अभी फ़िलहाल, जैसे कि अगर कोर्स आपके पास आ गया है तो बहुत बेहतर है, जिनके पास नहीं है कोर्स वो लोग एन सी आर टी की बुक को डाउनलोड कर लें, तो मतलब कि आप लोग के गूगल में आप लोग सर्च कर सकते हैं, एन सी आर टी की बुक पूरी पी डी एफ आपको मिल जाएगी पूरी पूरी, उसको डाउनलोड कर लें, आप उससे क्वेश्चन लगा सकते हैं, जिनके पास आर डी शर्मा है रेफरेंस बुक वो आर डी शर्मा से भी लगा सकते हैं। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन आप लोग को मिलेंगे, या पहला क्वेश्चन होगा प्रूफ करो कि वो कॉन्टीन्यूस या डिसकॉन्टीन्यूस है एट एक्स बराबर दिस पे और एट एक्स बराबर जीरो या टू पे डिसकॉन्टीन्यूस, जैसे मान लो कहीं जो पे नहीं गिवन होता है एट एक्स बराबर टू या थ्री पे उसको डिसकॉन्टीन्यूस या कॉन्टीन्यूस दिखाओ, तो आप लोग को समझने के लिए देखना होगा कि फंक्शन किस वैल्यू पे चेंज हो रहा है, जिस वैल्यू पे चेंज हो रहा है उसी वैल्यू पे हम लोग उसको कॉन्टीन्यूस या डिसकॉन्टीन्यूस दिखाना होगा। दूसरी चीज़, हम लोग के पास वैल्यू को फाइंड करना पड़ता है कि ये कॉन्टीन्यूस और डिसकॉन्टीन्यूस है, तो बताओ किस वैल्यू पे, मतलब एक्स ए की या बी की या सी या जो भी अननोन में होगा उसकी वैल्यू क्या है। तो जो मैंने अभी आपको बताया, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अगर कोई क्वेरी हो तो अब आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अब इंशाल्लाह कल की क्लास में मैं आपको उसके क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जो आप पूछेंगे, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसका दूसरा टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी।